हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग देन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अमन गनी एंड यू आर वाचिंग ट्रू वर्ल्ड। गाइज, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है मेरा, क्योंकि मैं अभी हरियाणा में हूँ एंड मैं अभी एक कोर्स के लिए यहाँ पे आया हूँ, बीएससी एग्रीकल्चर। तो मेरा क्लास स्टार्ट था, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। एंड अभी सुबह है, आज संडे है, सुबह के 8:10 अप्रॉक्स हो रहा है एंड आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा चारों ओर धूल धूल, बस यही दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं अभी बाहर निकला हूँ किसी काम को करने के लिए, तो मैं सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ। गाइस यार, हरियाणा में रोड का कुछ ऐसा सीन बना हुआ है एंड इतना सारा धूल बना हुआ है। दो चार दुकानें खुले हैं, अभी 8:10 हो रहा होगा अप्रॉक्स में, मैं अभी बाहर निकला हूँ किसी काम से। गाइस यार, तो मुझे कुछ लेना था तो मैं वो ले लिया एंड जा रहा हूँ मैं अब अपने हॉस्टल पे। एंड वहाँ जा करके, आज संडे है तो आज मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं जितना भी काम होता है मैं खुद ही करता हूँ मेरा, तो आज बहुत सारा काम है तो वो सब करना है। मेरा दो दिन क्लास क्लोज रहता है, एक सैटरडे एक संडे। तो सैटरडे को मैं मस्ती करता हूँ एंड संडे को जो काम होता है मेरे पास बचा हुआ वो करता हूँ। तो गाइस चलो चलते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में एंड वहाँ जा करके आपको मिलता हूँ फिर से अगेन से। आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे एकदम कुछ भी नहीं दिख रहा सही से, पूरा चारोल फॉग धूल ये सब पड़ा हुआ है, इस कारण से यहाँ पर एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैं साइड साइड चल रहा हूँ एंड आप देख सकते हो पीछे से बाइक एंड कार ऑटो काफ़ी कुछ आ रहा है। तो गाइस चलो चलते हैं, मैं आपसे आगे जा करके मिलता हूँ फिर से अगेन से। यहाँ पे एक भी लोग नहीं है, मिंग पूरा खाली है, बस यहाँ से ऑटो बाइक ये सब गुजरती है। बाकी यहाँ का आप देख सकते हो गाइस सीन कैसा है, इतना ज़्यादा ठंड। गाइस यार, यहाँ से एक छोटा सा मार्केट स्टार्ट हो जाता है जो कि मेरे यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर निकलते हैं उसके बाद जो है ये मार्केट है छोटा सा। तो ये अभी सही से ओपन भी नहीं हुआ है क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं और इतने सारे ठंड हैं गाइस, तो इस कारण से ओपन नहीं हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा टाइप से बना हुआ आप देख सकते हो, ढाबा बहुत मस्ती है, बहुत खूबसूरत। मैं जाऊँगा कभी अगर टाइम मिलेगा तो मुझे इसमें। एंड यहाँ पे बहुत सारा शॉप है। तो गाइस यार, फाइनली मैं अपनी यूनिवर्सिटी के गेट के पास आ गया। पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पेट्रोल पंप है, धूल के कारण से सही से दिख नहीं रहा है। एंड आगे जाके राइट मुझे मुड़ना है एंड यहाँ पे मेन गेट भी है यूनिवर्सिटी का, तो इतना ज़्यादा धूल है कि आपको नज़र नहीं आएगा। तो मैं आगे जा करके मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मेन गेट। गाइज यार, तो ये है हमारी सी मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का गेट, मेन गेट, और यहाँ पे इतना सारा धूल है कि यहाँ पे सही से नज़र भी नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। तो गाइज यार, यहाँ से मैं अंदर चलता हूँ एंड फिर मैं आपको अंदर चल के यहाँ से मिलता हूँ। गाइज यार, मैं अंदर तो आ गया और इतना सारा धूल की कुछ नज़र आ ही नहीं रहा यहाँ पे, आप देख सकते हो। सामने वाले भी आदमी सही से दिख नहीं रहे हैं कि मैं पहचान नहीं सकता हूँ कि है कौन। आई मीन दिख रहा है कि आदमी है पर मैं उसे जान नहीं सकता हूँ, अगर मेरा कोई फ्रेंड भी हुआ तो मैं समझ नहीं पाऊंगा कि वो मेरा फ्रेंड है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर तो आ गया एंड ये ग्राउंड है जहां मैं क्लास के बाद हैंग आउट के लिए अपने फ्रेंड के साथ बैठता हूं। तो ये ग्राउंड में अभी कोई नहीं है एंड यहां पे सही से दिख भी नहीं रहा है कि आसपास कोई है भी या नहीं है, पूरा आप देख सकते हैं लेकिन मुझे कोई नहीं दिख रहा है। अगर हो भी यहाँ पर कोई तो मुझे सही से दिख नहीं रहा है। आई थिंक यहाँ पर कोई नहीं है, एकदम शांत है एंड ये अभी वाला जो सीन है ना एकदम अलग ही लग रहा है एंड शांत जगह मुझे गाइस बहुत ज़्यादा पसंद है। और आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सामने में एक फाउंटेन है जो कि एक बहुत मस्त लगता है, फाउंटेन दिखाता हूँ पहले आपको। गाइस यार, आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये एक फाउंटेन है, आप देख सकते हो अभी इसमें से पानी निकल नहीं रहा है, दिन के टाइम में निकलता है। तो गाइस अभी यहाँ से चलता हूँ, मैं ऊपर आ गया हूँ तो यहाँ से पहले निकलता हूँ एंड उसके बाद आप पहले सही से देख लो इस फाउंटेन को एंड मैं आपको कभी दिखा दूँगा जब पानी निकलता होगा तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग लगता है। और यहाँ से फिर निकलता हूँ मैं। यहाँ एक फाउंटेन है एंड फाउंटेन से यहाँ जस्ट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्पॉट है जहाँ पे आप हैंग आउट कर सकते हो जो कि बहुत अच्छा है। एंड यहाँ के बाद मैं अब निकलता हूँ अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी रूम में जाना है, मुझे वेट कर रहे हैं अभी शेख भैया एंड अमित भैया, वो मुझे कॉल भी किए थे। तो गाइस चलो चलते हैं। तो आपने फाउंटेन देख लिया तो यहाँ से मैं अब निकलता हूँ। आई होप आपको फाउंटेन पसंद आया होगा एंड यहाँ पर आप स्पॉट भी देख लिए होंगे, तो आई होप सारा कुछ आपको पसंद आया होगा। एंड यहाँ का जो जगह है ये ग्राउंड पूरा, इस ग्राउंड में मैं बैठता हूँ जब क्लास मेरा ओवर हो जाता है अपने फ्रेंड के साथ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ, मस्ती करता हूँ और सॉन्ग सुनता हूँ एंड उसके बाद जब क्लास फिर से स्टार्ट होता है यहाँ से निकल जाता हूँ। तो गाइस चलो चलते हैं, अभी मैं अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। गाइस यार, मैंने बस सोचा था कि इस ग्राउंड में होगा नहीं अभी कोई, पर एक्चुअल में यहाँ पर अभी कोई नहीं है, एक दो बंदे हैं जो जा रहे हैं पर यहाँ पर हैंग आउट के लिए अभी कोई नहीं बैठा है क्योंकि सब क्लास के बाद बैठते हैं, अभी सारे लोग अपने रूम में होंगे। तो मैं भी जा रहा हूँ अभी अपने रूम में, मैं गया था बाहर किसी काम से, मुझे कुछ सामान लेना था तो वह मैं ले लिया एंड उसके बाद जा रहा हूँ मैं अभी रूम में एंड रूम में जाने के बाद ये वीडियो को एंड कर दूंगा। तो गाइस चलो चलते हैं, पहले रूम में चलता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको एंड करूँगा। एंड जा रहा हूँ तो अभी रास्ते में बहुत कुछ मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊँगा वो भी। तो गाइस आप देख सकते हो पूरा कैसा लग रहा है, ये पूरा ग्राउंड खाली है एंड चारों ओर ये लग रहा है धूल फॉग, यह सब तो अमेजिंग ही लग रहा है, मज़ा ही आ रहा है।
गाइज यार काफ़ी बड़ा ये ग्राउंड, आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट होता है एंड जा कर के वहाँ जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पे जा कर के पूरा ख़त्म होता है, तो काफ़ी बड़ा है। और इसके बगल में एक और ग्राउंड एकदम छोटा सा, वहाँ भी हैंग आउट के लिए है। उस ग्राउंड के बगल में इस साइड यहाँ पे एक छोटा ग्राउंड है, यहाँ पे भी हैंग आउट के लिए आते हैं, पर यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बैठता हूँ। यहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं पर यहाँ पे मैं ज़्यादा बैठता नहीं हूँ, मैं उसी ग्राउंड में बैठता हूँ क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड को उसी ग्राउंड में ज़्यादा पसंद आता है। इस कारण से ये ग्राउंड भी बहुत अच्छा है गाइज, छोटा है एंड मस्त है। और गाइज यहाँ का व्यू तो अलग ही लगता है। फाइनली मेरा हॉस्टल आ गया, मैं हॉस्टल नंबर 10 में रहता हूँ एंड मेरे हॉस्टल के पीछे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक ग्राउंड है जहाँ क्रिकेट खेलने के लिए, एंड मेरा पीछे हॉस्टल है वहाँ पे हॉस्टल नंबर 10। तो गाइस चलो चलते हैं, मैं अभी हॉस्टल में जा रहा हूँ। मैं अपने हॉस्टल में आ गया एंड हॉस्टल में आने के बाद मैं सेकंड फ्लोर पर हूँ, अभी सेकंड फ्लोर पर मेरा रूम है। तो और मैं आपको सामने से व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे दो पैरट बैठे हैं वो हमेशा बैठे रहते हैं दिन के टाइम भी, और सामने का व्यू भी दिखाता हूँ जो कि बहुत बॉम्ब लगता है। सूरज निकलने के बाद व्यू बहुत ज़्यादा बॉम्ब लगता है, अभी सूरज नहीं है, चारों ओर फॉग है तो अभी भी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। तो गाइस चलो चलते हैं, अभी मैं आपको सामने से पहले व्यू दिखाता हूँ एंड उसके बाद जाकर के मैं अपने रूम में चले जाऊँगा एंड वहाँ जाकर वीडियो को एंड कर दूँगा। तो गाइस चलो चलते हैं, पहले आपको सामने से व्यू दिखा देता हूँ। गाइस यार ये विंडो से भी बहुत अच्छा व्यू लगता है, आप देख सकते हो यहाँ का व्यू, एंड अभी पूरा चारों ओर फॉग है तो और भी बॉम्ब लग रहा है। एंड वहाँ पे आप देख पा रहे हो वहाँ पे दो पैरट बैठे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ दो पैरट बैठे हैं एंड एक साइड में भी है, एंड आप चारों ओर का व्यू देख सकते हो गाइस कितना बॉम्ब सा व्यू है, अलग ही व्यू है यहाँ से गाइस, मस्त व्यू लगता है। अभी सूरज नहीं निकला है एंड सूरज निकलने के बाद अच्छा व्यू लगता है। गाइस यार आप सामने देख पा रहे हो वहाँ पे दो पैरट बैठे हैं, वहीं पे एक छोटा सा होल है तो वो उसका घर है एंड वो अभी लड़ रहा था, मैंने जब उस पर कैमरा किया तो तीसरा भी आ गया यहाँ पे, ये देखो एंड बहुत सारा पैरट रहता है यहाँ पे। गाइस यार तो मैं फाइनली अपने रूम में आ गया एंड रूम में आने के बाद मैंने देखा कि मेरा रूम पार्टनर जो है वो पढ़ाई कर रहा था एंड मैं भी पढ़ाई करूँगा मुझे अभी, लेकिन आस पढ़ाई नहीं करना, आज बहुत सारा काम है। तो गाइस मैं अभी पहले अपना काम कर लेता हूं एंड आज रूम को क्लीन भी करना है, तो आपको मैं सारा रूम तो दिखा नहीं सकता क्योंकि रूम मेरा काफ़ी गंदा है, मैं पहले ही बता देता हूं एंड मैं आपको रूम पार्टनर से मिलाता हूं। आप उससे पहले भी देखे हो अगर आप मेरा वीडियो पहले से देखते हो तो, क्योंकि वो फर्स्ट वाले जनवरी की वीडियो में आए थे, वो और कोई नहीं है वो अभिषेक भैया। गाइज ये आप देख सकते हो अभिषेक भैया मेरा रूम पार्टनर है एंड बहुत मस्त आदमी है गाइज, क्या ही बोलूँ। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and see you again next amazing video, love you।